बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब मैं तो सवाल अच्छे पूछना, आप निवेदन करूंगा सीतापुर, एक निवेदन करूंगा सीतापुर के बच्चे जो हैं एक बार आप आ जाएं ग्रुप के लिए, उसके बाद फिर बाराबंकी के, ठीक है, पहले सीतापुर के लीडर्स आ जाए, जो विधायक और पूर्व विधायक या मंत्री जो रहे उन्हें बच्चों के साथ एक साथ पढ़ के जाएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, अच्छा शिक्षक भी हैं तो एक साथ आ सकते हो, देखिए आइए सीतापुर के शिक्षक भी। एक मिनट क्यों, पहले सवाल जवाब हो जाए प्रेस के लिए। उसको बचाने के लिए हम भी काम करें आप भी काम करें। देखिए एसिड अटैक के जितने भी पीड़ित और बच्चे या लड़कियां हैं उनकी मदद के लिए बना था, और जिस समय मैंने आगरा में उनका कैफे देखा था तो मैंने उन्हीं की संस्था चलाने वाले से ये कहा कि लखनऊ में भी आपका कैफे होना चाहिए। ये सरकार के हाथ में होता है, ये जो सरकार नियम बता रही है, ठीक है नियम तो रहते हैं लेकिन सरकार के हाथ में होता है कि कैसे किसको कैफे दें। अभी आपको फिनिक्स फिनिक्स का पता होगा जो शाम अवध बन रहा था, उन्हें पता था शाम अवध किसको देना है, शाम अवध उसी को मिला। शाम अवध एक बहुत अच्छा बाजार बन रहा था लखनऊ में, आपको याद होगा समाजवादी सरकार में, ये तय था सरकार को कि किसको देना है। तो बताओ सिरोज कैफे जो लड़कियां चला रही, एक हैंगआउट जॉइंट बन गया पत्रकारों का, जितने भी एनजीओज हैं जो समाज के लोग हैं उनका, सरकार उनके पीछे पड़ गई। कैसी सरकार ये, ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार किसी का दुख दर्द दूर नहीं कर सकती है, ये सरकार केवल परेशानी और दुख दर्द दे सकती है। नमामि गंगा हमारे लिए तो गंगा माँ है, और गंगा माँ के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो ये देश की जनता देख रही है। गंगा अब तक साफ हो जाती, गंगा माँ साफ हो जाती लेकिन साफ की नियत नहीं है। समाजवादियों ने एक उदाहरण दिया कि गोमती कैसे साफ बह सकती है शहरों में, और आज भी गोमती के लिए क्या किया जा रहा है सोचिए, केवल 900 मीटर अगर बन जाए, केवल 900 मीटर हिस्सा गोमती का एक तरफ का बन जाए तो गोमती पूरी की पूरी शहर में साफ बहेगी और कनेक्शन नालों के हो जाए। तो जो 14 महीने में या 15 महीने में गोमती की ये दुर्दशा कर सकते हैं, और ये गोमती बताओ कहाँ मिलती है जाकर के, यही गोमती पूरी गंदगी लेकर के जुड़ती है जाकर के गंगा से, वो गाजीपुर में सैदपुर में जाकर के। तो गोमती की हालत देख लो क्या कर दी इन्होंने, वर्णा नदी को साफ करने का काम शुरू हो गया था कि कोई भी नाला वर्णा में ना आए, और हमने तो कहा था कि कानपुर आगरा को भी ये व्यवस्था दे देंगे, लेकिन ये सरकार केवल वोट लेना चाहती है गंगा माँ के नाम पर, उसको साफ नहीं करना चाहती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर कानपुर में कार्यक्रम हो रहा है, बिना काली नदी के गंगा साफ कैसे होगी ये बता दे हमें कोई। काली नदी न जाने कितना कचरा गंदगी इंडस्ट्रियल वेस्ट लाती है, मैं जानना चाहता हूँ। कई बार मैंने आपके सामने कहा, कई मौकों पर कहा कि बताओ काली नदी के लिए क्या व्यवस्था दी है, पैसा तो खर्च हो गया, गंगा वैसी की वैसी है, और अभी तो इसलिए है कि पानी बहुत है गंदगी दिखेगी नहीं, असली गंदगी दिखाई देती है मई जून में जब पानी खत्म हो जाता है, यमुना गंदगी से पूरी भरी पड़ी है, कौन साफ करेगा यमुना, और बिना यमुना के बिना काली नदी के बिना इन नदियों के साफ हुए गंगा साफ हो जाएगी, ये लोगों को केवल सपना दिखाते हैं। मुझे ये नहीं पता, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुरली मनोहर जोशी साहब ने वहां, मैंने और उस समय के जो केंद्रीय मंत्री थे कानपुर को मेट्रो दी थी, हो सकता है हमारी सरकार से आपको झगड़ा हो कि समाजवादियों ने क्यों मेट्रो दे दी। आप बताइए कानपुर का मेट्रो का काम समाजवादी सरकार में शुरू कर दिया था,
मुरली मनोज जोशी साहब थे, उन्होंने उस शिलान्यास में थे। आज जो उपराष्ट्रपति हैं वो शामिल थे, उस समय मंत्री थे। लेकिन बीजेपी ने अपने ही सांसद जिन्होंने कभी सबसे पहले संकल्प पत्र पढ़ा था, घोषणा पत्र पढ़ा था, उन्हीं की लोकसभा की मेट्रो काट दी। क्या उम्मीद करोगे उनसे? जो आंकड़े दिए हैं, हो सकता है सच्चाई के पास हैं वो आंकड़े, ठीक है। मेरा यही निवेदन है कि जो हाईवे में व्यवस्था की गई थी समाजवादी सरकार में, वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि हर 30 किलोमीटर पर एम्बुलेंस हो, 100 नंबर की गाड़ी का इंतज़ाम हो। और मैंने हर मौके पर आपसे निवेदन किया है, आपके माध्यम से निवेदन किया है मैंने, कि ये एक्सप्रेस वे पर आप 100 से ऊपर मत चलिए। इस महागठबंधन के बारे में तो बड़े बड़े इंटरव्यू अखबार में आ रहे हैं, तो सोचो महागठबंधन तो बनना ही है। महागठबंधन तो है ही और होगा भी आने वाले समय में। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, हमें तो न जाने क्या क्या कहा गया था जब गठबंधन शुरुआत हुई थी, तो गठबंधन तो यहां भी होगा। जो बीजेपी ने बनाया था वही बीजेपी का हमने चोरी कर लिया, वही हम बीजेपी पे लगा दे रहे हैं। भाई बीजेपी ने तो कहा था, याद कीजिए आप वो भूल गए वक्त जब एक पिछड़े मंत्री ने, हालांकि वो उप लिखा हुआ है लेकिन वो उप नहीं है, एक मंत्री माना जाए, उन्हें लगा कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं। वो शास्त्री भवन में गए, अपनी तख्ती लगा दी उन्होंने, उन्होंने अपना नाम लिख दिया कि हम अब से उप मुख्यमंत्री हैं, नाम लिख दिया उन्होंने, कुर्सी पे भी कब्जा जमा लिया। और सबसे पहले उन्होंने किसको बुलाया था, डीजीपी और होम सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को, मीटिंग भी कर ली। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी को पता लगा, उनके नाम की तख्ती का पता नहीं लगा और आज तक शास्त्री भवन में दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। ये तो कहा था कि पिछड़ों के सब मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे कुशवाहा मौर्य समाज के लोग सोचे, उनकी तख्ती उठाकर फेंक दी गई। पाल बघेल समाज के लोग सोचे, उन्हें भी कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हमारे निषाद समाज को भी धोखा दिया था, कहा कि आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और तमाम और लोग भी सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, कोई नहीं बन पाया। तो ये फार्मूला तो उन्हीं का है। अब तो सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं बैकवर्ड को आरक्षण होना चाहिए, बैकवर्ड के अंदर बैकवर्ड होने चाहिए, दलित के अंदर दलित होने चाहिए। अब तो न जाने कौन कौन सी भाषा बोलने में आ रही है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जब चुनाव आने जा रहा है तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, प्रधानमंत्री सदन में कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं। अरे हम कह रहे हैं आपसे पिछड़े हम हैं, ये क्या बात हुई? तो इसलिए हम कहते हैं किसी से झगड़ा मत लगाइए। आधार बना हुआ है, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है, आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से आधार से हमें आपको गिन लिया जाए। और किसी पिछड़े में झगड़ा ना लगाइए, किसी दलित भाई में झगड़ा मत लगाइए, सबको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दिया जाए। क्या गलत कह रहा हूं मैं आपको? अभी पुलिस भर्ती हुई 70,000-40,000, उनमें निकाल दिए गए बेचारे 1400 लड़के, क्योंकि वो पिछड़े थे इसलिए निकाल दिए गए। आप बताइए पिछड़े हैं निकाल दिए गए? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पिछड़े हैं हम, और यहां सम्मेलन हो रहा पिछड़े वर्ग का। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कितने सीधे साधे हैं सोचो, कितने सच्चे लोग हैं। अभी 1400 निकाल दिए गए, उन्हें पता ही नहीं लगा, उन्हीं के घर का बेटा, उन्हीं के घर के बच्चा निकाला गया है। क्या उन्हें नहीं पता ये बात? ये बात तो बतानी चाहिए आपको और हमें। 1400 ना निकाले गए हो तो बताइए आप। और फिर शिक्षा मित्र बताइए, 700 ने आत्महत्या कर ली, 700 किसान आत्महत्या कर रहा, कोई किसान की मदद नहीं, आत्महत्या कर रहा किसान, न नौकरी न रोजगार, बोले पकौड़े बनाओ। और अभी तो नया बायोगैस की बात आ गई,
अरे मैं तो लखनऊ के लोगों से कहता हूँ सब पाइप लाइए और शकुंतला यूनिवर्सिटी के पास पाइप पहुंचा दीजिए, अपने आप बायोगैस आ जाएगी सब घर में। वहां पर 8,000 भैंसें रहती हैं, आप पता करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। और पिछले डीएम जो हमारी सरकार में थे, हमने उनसे कहा कि भाई एक इसमें प्लांट लगवा दो यहां पर, तो उन्होंने कहा जिला पंचायत से योजना है उससे लग सकता है बायोगैस का प्लांट। तो शायद अभी सरकार की जिम्मेदारी है, 8,000 भैंसें हैं वहां पर। और मैं जब सड़क पर रात में चलता हूँ, सोचो हम सड़क पर रात में चले, आप भी चलते होगे, ऐसा नहीं कि मैं ही वो बात जानता हूँ, आप भी जानते हो बात, लेकिन आप नहीं लिखते उस बात को। बताओ गाय माँ कितनी सड़क पर दिखाई दे रही है इस बरसात में, बेचारी गाय माँ के पास कोई जगह नहीं है रहने की। बोलो सड़कों पर थी कि नहीं थी, बताओ आप। कोई सड़क ऐसी नहीं बची जिस पर गाय माता आ न रही हो। वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो भींगे में नहीं रह सकती गाय, और जानवर तो भींगे में थोड़ा बहुत रह सकते हैं लेकिन गाय भींगे में नहीं रह सकती। इसलिए गाय धीमे धीमे वो जगह ढूंढती है जहाँ पर पानी नहीं है, और पूरी सड़कों में पूरे उत्तर प्रदेश में गाय माँ दिखाई दे रही। और हम तो कहते हैं हमसे ज़्यादा गाय माँ की चिंता आपको होगी, आपके घरों में है ही नहीं गाय, किसी घर में गाय नहीं है, आप चेक कर ली लखनऊ में, और हमारे घर में जाओ हम बता देंगे कहाँ है हमारी गाय। तो सोचिए ये लोग केवल वोट लेना जानते हैं गंगा माँ के नाम पर, गाय माँ के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, लेकिन सच्चाई जब काम करने की आती है तो क्यों दूर भाग जाते हैं ये लोग। वही नहीं, आप बताइए पॉलिटेक्निक के पास क्या हुआ था उस बेटी के साथ, वो लड़की जो थी उसके साथ क्या हुआ था, और कितनी घटनाएं हम आपको बताएं। उत्तर प्रदेश में कोई जिला नहीं बचा जहां असुरक्षित ना हो, और फिर 1090 100 नंबर जो व्यवस्था दी थी वो भी खत्म कर दी। हम तो कहते तुम्हारी व्यवस्था है उसको भी अच्छा करो, 1090 को भी ठीक करो, और फिर तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी क्यों कहते हैं जाकर के उत्तर प्रदेश पे सबसे अच्छी व्यवस्था है तो 1090 100 नंबर है आपके, क्यों कहते हैं चीफ सेक्रेटरी? प्रधानमंत्री जी के सामने जाएंगे और देश को बताने के लिए कहेंगे कि हाँ हम पे 100 नंबर व्यवस्था है, हम पे 1090 व्यवस्था है, हम 181 बेहतर कर रहे हैं। इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे, 108 102 एम्बुलेंस तक खत्म कर दी। गरीब कैसे इलाज पे पहुंच पा रहा है, कई दवाइयां हैं क्या? आप पता करिए अस्पताल में, अस्पतालों में दवाइयां तो नहीं है लेकिन अस्पतालों में पानी तो पहुंच गया है, कई अस्पतालों में पानी भरा पड़ा है। आपको एक बात नहीं पता होगी, सलमान खुर्शीद साहब हमारे पड़ोसी हैं, ये बात हमारी उनकी है, आप भूल जाइए इसको, वो हमारे पड़ोसी हैं, हम अपनी बात कर लेंगे उनसे। मैंने आपसे कहा कि सलमान खुर्शीद साहब हमारे पड़ोसी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, वो भी चाहते हैं कि बीजेपी हारे। वो देखिए अगर आप सलमान खुर्शीद साहब से बात करोगे, कांग्रेस से बात करोगे, तो कांग्रेस भी यही चाहती है कि बीजेपी हटे हारे, उसी के लिए तो दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। देखो ऐसा है, मैं अनुराग भास्कर जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने एक रिश्ते के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि नेताजी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी बनाई थी, उससे उनका भविष्य बेहतर हुआ और उस पढ़ाई को आगे बढ़ाने में और मदद करने में, जीवन को और आगे ले जाने में उनके कैरियर और अच्छा बने, उसके लिए लैपटॉप ने मदद की। दो रिश्ते तो उन्होंने बता दिए लेकिन एक किताब उन्होंने दी अंबेडकर जी की। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर जी जो चाहते थे शायद आज हम समाजवादियों ने वो कर करके दिखाया है। इसलिए ये जो रिश्ता इन्होंने जोड़ा है, हम अनुराग भास्कर जी को बधाई देते हैं, और मैं उन 18 लाख कहानियों को जिनके जीवन बदला होगा, और आप खुद जानते होंगे बहुत सारे आपके परिचित लोग हैं, उनको भी लैपटॉप मिला होगा और पूरे घर परिवार को सीखने का मौका मिला होगा। असली डिजिटल इंडिया तो ये है, बात करने से डिजिटल इंडिया कैसे होगी,
असली डिजिटल इंडिया तो ये है कि बच्चे और घर परिवार लैपटॉप से जुड़ा हो। और जितना समाजवादियों ने काम किया लैपटॉप का या डिजिटल होने का, उतना शायद ये बीजेपी के लोग सोच भी नहीं सकते। केवल बीजेपी के लोग नकल कर सकते हैं। अभी सुनने में आया कि जो स्मार्टफोन समाजवादी लोग देना चाहते थे, जिसकी बुराई कर रहे थे बीजेपी के लोग, बीजेपी के एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में स्मार्टफोन बंटवा रहे हैं। नहीं बंटवा रहे हैं क्या, आप बताइए। सोचिए, हम 1.5 लाख लैपटॉप, 1.5 करोड़ दे गए होते स्मार्टफोन, आज उत्तर प्रदेश पीछे हो गया। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये बन गया होता आजमगढ़ तक, गाजीपुर और बलिया तक। बलिया को नहीं इन्होंने जोड़ा है, तो सोचिए बलिया के लोग क्या कह रहे होंगे। बागी बलिया के लोग वो इंतजार कर रहे हैं कि तारीख आए वोट डालने वाली। ये मेरी, देखिए मैं बहुत सारी इस तरह की जानकारी नहीं रखता हूँ, ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है, ये इंटरव्यू लिया नहीं गया है। ये इंटरव्यू लिया नहीं गया है, आप लोगों ने केवल इंटरव्यू छापा है। अगर ये बात गलत हो तो आप बता दीजिए, और शायद आज तो एक अखबार में छपा है, 2-3 अखबार में छपा है। ये तो नहीं कि डिजिटल इंडिया की तरह मेल आ गया हो आपके पास और आपने उसको प्रिंट कर दिया हो। ये तो आप सच्चाई बता सकते हो कि मेल से इंटरव्यू आया है कि आपने इंटरव्यू लिया है। लेकिन जो भी है, इंटरव्यू अच्छा है। इंटरव्यू इसलिए अच्छा है कि उसमें दुनिया की बातें हुई हैं, हमारे किसान की बात नहीं हुई। दुनिया की बात हो रही है कि दुनिया में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कोने में मैंने पढ़ा कि आज डॉलर की कीमत और नीचे, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले और नीचे चली गई। क्या आज नहीं चली गई? तो ये इंटरव्यू लगता पुराना है। शायद बीजेपी के लोगों को, केंद्र के लोगों को नहीं पता था कि रुपये की कीमत और नीचे चली जाएगी जब इंटरव्यू छपेगा। इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं कि इंटरव्यू लिया था आपने कि मेल के माध्यम से केवल छापाया आपने। देखो बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवा लेने दो। एक एक लोग, एक एक लोग भाई, एक करके पीछे। ए तुम पीछे रहो, राजेश इन्हें पूछने दो। तुम तो माने जाओगे समाजवादी हो। सुरेश क्या नाम है, सॉरी भूल गया, सुरेश साहब। देखिए दो, ये ठीक है। हाँ ये इतना अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं ममता जी को बधाई दूंगा कि कम से कम वो लड़ाई लड़ रही हैं। और आज आप जो ये एक चीजें कर रहे हो, हम और आप तो नेपाल के बगल में रहते हैं, बल्कि नेपाल में भी कुछ ऐसा होगा तो सोचो कितने लोग हमारे यहाँ वापस आ जाएंगे। और फिर आप पुरानी चीजें उठाइए, क्यों नहीं उठाते हो आप लोग? प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग जहां कहीं भी दुनिया में गए, उन्होंने यही कहा कि धरती हमारा एक परिवार है, वसुदेवा कुटुंबकम। बताओ क्या प्रधानमंत्री जी के भाषण में ये नहीं रहा? और मुझे वो जर्मनी का याद है भाषण उनका, जिसमें उन्होंने कहा जर्मनी के लोगों को प्रभावित करने के लिए, जर्मनी से रिश्ता जोड़ने के लिए, कि हमारा आपके जीन्स एक हैं। अगर जीन्स जर्मनी और हमारे एक हैं तो फिर ये अलग कहाँ हो गया? इसलिए आप चक्कर में मत पड़िए, ये सब वोट का मामला है। ये चुनाव आ रहा है, किसान का कर्ज नहीं माफ हुआ यहाँ उत्तर प्रदेश के? किसान का कितना कर्ज माफ हो गया? कोई गाँव हमें बता दो जहां पर बीजेपी की सरकार में 10 लोगों को सरकारी नौकरी मिली हो, तो बता दो हमें। इन सब नाकामी को छिपाने के लिए और महंगाई की नाकामी छिपाने के लिए, नोटबंदी की नाकामी छिपाने के लिए, आप बताइए बैंकें घाटे में चली जाएंगी? इसके जिम्मेदार कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी बैंक है, बताओ कितने घाटे में गई इस बार? तब
जब तमाम गरीबों का उन्होंने अकाउंट का पैसा जब्त कर लिया तब। अब आपने नहीं खोला होगा, शायद आप पे ज्यादा पैसा रहा होगा, लेकिन गरीब लोगों का पैसा जो था बैंकों में, गरीब से पहले तो फ्री खुलवाया अकाउंट, थोड़े बहुत पैसे में खोल लिया उन्होंने अकाउंट, लेकिन बाद में कानून बना दिया कि अगर इतना पैसा नहीं होगा तो अकाउंट बंद हो जाएगा। उन पैसे को सब कुछ रख लिया बैंक ने, उसके बाद भी घाटा, दूसरी बैंकों को भी घाटा हुआ है, तो बताइए आप कैसे हैं। ये सब गिनती छोड़िए कि जैन कहाँ से आएंगे, बौद्ध कहाँ से आएंगे। अरे ये देश ने तो धर्म फैलाए हैं, यहीं से बौद्ध धर्म फैलाए, तो बताओ जापान तक चला गया, क्या वहां के लोग ये रिश्ता ढूंढ रहे हैं? कहाँ चला गया बौद्ध धर्म बताइए आप। ये सब चुनाव है, किसान का जवाब ना देना पड़े, इसलिए राष्ट्रभक्ति की तरफ ले चलो। असली राष्ट्रभक्ति ये होगी कि हमारा किसान खुशहाल हो, गांव के लोग खुशहाल हों, ये सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा होगी। जिस समय हमारा किसान खुशहाल होगा और गरीब खुशहाल होगा। सीतापुर के बच्चों को बता लो, उन बातों में मत जाइए। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको। आइए। अरे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं हूँ, मुझे पता है कौन सा पेड़ है, किस पेड़ को कहाँ लगाया गया है। पेड़ों के 10 नाम हमसे पूछ लो, अभी पूछ लो अभी आप, और 10 पेड़ उन्होंने पूछ लो, और अगर 10 के पेड़ हम बता दें तो समझ लेना हम सच बोल रहे हैं, और अगर वो 10 पेड़ ना बता पाए तो समझ लो क्या हुआ होगा। और ये 9 करोड़ पेड़ लगेंगे, 9 करोड़ के लिए जमीन कितनी चाहिए ये बताओ पहले हमें। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं केवल एक गणित बता रहा हूं आपको, 1,34,000 कुछ पेड़ हमने लगाए थे इटावा में चंबल के किनारे, उस समय हमने 1,000 एकड़ जमीन की जरूरत थी, हमें 1,000 एकड़ जमीन पर 1,34,000 पेड़ लगाए थे। और जब फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई तो सबसे ज्यादा ग्रीनरी, ग्रीन कवर अगर किसी सरकार में बढ़ा था तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में ग्रीन कवर उत्तर प्रदेश का बढ़ा था। और हमने ये निश्चित किया था कि बाकायदा ग्रीन बेल्ट तैयार हो। हमारे साथ यहाँ जो मंच पे बैठे हैं, क्योंकि मंत्री लोग भी थे, कुछ हमारे साथी जो सामने बैठे हैं, इन्होंने भी पेड़ लगाए थे और बाकायदा ग्रीन बेल्ट बनाने का काम किया था। ये सरकार पता नहीं कहाँ पेड़ लगा रही है। इस सरकार का पेड़ लगाना वैसे ही है जैसे अच्छे दिन आज भी ढूंढ रहे हो आप, तो वैसे ही आप 9 करोड़ पेड़ भी ढूंढोगे। अब ये पुल गिर रहे हैं उसके लिए तो वही जिम्मेदार हैं जो पुल बना रहे थे। जब ठेके का ठेका हो जाएगा और उसका भी ठेका हो जाएगा तो पुल गिरेगा ही, और क्या बचेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर के बच्चे इनके बच्चे जो गार्जियन हैं, एक साथ आ जाए तो बच्चे एक साथ आ जाए, पीछे आ जाओ बच्चे, तो बैठे हम लोग खड़े हो जाए, बच्चे पीछे आ जाए। और ये सीतापुर और इसके विधायक गार्जियन जल्दी आ जाओ, सीतापुर के नेता विधायक साथी आ जाए, जल्दी से पीछे आ जाए, जैसे ग्रुप फोटो में आप भी आ जाए। आइए, 12 बजे भी आ जाओ, अलग से फिर से खींच जाएगी, आ जाए 12 बजे के बच्चे आ जाए, और 12 बजे के माननीय नेतागण भी आ जाए, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, सभी साथी आ जाए, जल्दी से आ जाए। हाँ विधायक भी